मोस्ट इन्फ्लुएंस नेबरहुड जिसको जुल्फा नेबरहुड बोला जाता है, 100% यूरोपियन इन्फ्लुएंस लाइफ ईरान कंट्री के मिडिल इस्फहान शहर में अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है। ये है यहाँ का जुल्फा स्क्वायर। ओह माय गॉड, काफी खूबसूरत है यार। रेडी हो रही है। वाह माशाल्लाह। हाय हाय। ये है नुशा, आप सब इनको जानते हैं। और ये है शहनाज। शहनाज, ओह शुक्राना शहनाज। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I just was experiencing you. Good evening guys and welcome back to another new vlog. मैं हूँ अंस और अभी मैं हूँ यार ईरान कंट्री के इस्फहान प्रोविंस में। I'm not saying anything. Today you are the boss. I'm the boss. You want to use of me. Okay, so guys, मैं नुशा और नुशा की मम्मी, हम तीनों लोग एक्चुअली आए हुए हैं जुल्फा नेबरहुड के वांग कैथेड्रल चर्च में, जो कि पूरे इस आर्मेनिया रेजिडेंस के लोगों का वन ऑफ द मोस्ट हॉलीएस्ट प्लेस बोला जाता है, यानी चर्च, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे जुल्फा नेबरहुड की इवनिंग लाइफ, नाइट लाइफ और यहाँ की कुछ लोकल चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये है एक्चुअली इस चर्च के अंदर का प्रीमाइस, जिसके लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होगी जैसे ही आप काउंटर पर पहुँचेंगे। तो इस एक स्पेसिफिक टाइम है यहाँ पर। ये जो जुल्फा नेबरहुड है, अपने आर्मेनियन माइग्रेशन के लिए जाना जाता है। तो एक्चुअली इसका सारा क्रेडिट दिया जाता है अब्बास वन, जो कि पर्शियन एम्पायर के सफाविद जो डायनेस्टी है 16th century के आसपास, उसके किंग हुआ करते थे। और उन्होंने ये जो वॉर के टाइम पे आर्मेनियन कम्युनिटी थी उनको यहाँ पे स्टेब्लिश करने का मौका दिया। तो ये जो जुल्फा नेबरहुड है, ये पूरे दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट आर्मेनियन क्वार्टर बोला जाता है, जो कि इस ईरान कंट्री के इस्फहान प्रोविंस के एक नेबरहुड में पड़ता है। पूरे इस जुल्फा नेबरहुड का वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस और प्रोमिनेंट लैंडमार्क बोला जाता है ये वांग कैथेड्रल चर्च। और ये है उसका बेल टावर। ये है पूरा प्रीमाइस, एक्चुअली काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है। नाइट के टाइम पे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बेल टावर है, ये दो फ्लोर में है, यानी दो हिस्सा है इसका। नीचे जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये यूज़ किया जाता था वर्शिप वगैरह के लिए, यानी रिलीजियस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो दूसरा है, जो बेल वाला है ना, तो बेल यहाँ पे इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे इस क्वार्टर में रहने वाले जितने भी आर्मेनियन लोग रहा करते थे, तो उनको आवाज़ देके, तो आवाज़ देने का जो तरीका हुआ करता था वो होता था ये बेल। जो बेल है उसको रस्सी के सहारे खींचते थे, तो काफ़ी लाउड आवाज़ होता था। फिर उस आवाज़ की वजह से जब लोग इसको सुनते थे, तो एटलीस्ट सारे लोग यहाँ पर आके रिलीजियस एक्टिविटी में एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये था इसका मेन रीज़न कॉन्सेप्ट। लेट्स गो, बॉस सेज लेट्स गो। तो यार ये आप देखो, यहाँ पे हर जगह आसपास इस वाले एरिया में काफ़ी ढेर सारे ग्रेव्स हैं। तो यहाँ पे इस पूरे प्रीमाइस में उस टाइम पे जो काम करने वाले लोग थे, उनके लिए ये ग्रेव्स बना के रखा गया, यानी उनको यहाँ पे दफनाया गया। बट यार एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती, मोस्टली इन सब प्लेसेस पे लोग इस पे भाई जूते चप्पल पहन के ऊपर से चढ़ के जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आज तक मुझे नहीं समझ आया। फिलहाल अब इस चर्च के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। वाह, ओह सो मेनी पीपल टूरिस्ट, रियली? वाह, ओके कम। ये पूरा चर्च देखने के बाद आपको इसमें दो चीज़ें समझ में आएंगी, एक तो पूरा जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है आर्मेनियन कल्चर का वो, और पर्शियन कल्चर, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके बनाया गया है। तो एक्चुअली ये पूरा जुल्फा जो नेबरहुड है ना, ये अपने आर्मेनियन लोगों के लिए जाना जाता है। और उसका एक एग्ज़ाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जुल्फा सेल, और सामने लिखा हुआ है आर्मेनियन चैरिटी स्टोर और आर्मेनियन शॉप। जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं, शॉप्स हैं, यहाँ तक कि घरों के नाम, स्ट्रीट्स के नाम, वो काफ़ी ज़्यादा आर्मेनियन वर्ड से आपको प्रिंटेड लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जितना भी एरिया है ना, ये आप देखिए, इसको पूरा जुल्फा स्ट्रीट और जुल्फा नेबरहुड बोलते हैं। तो ये जुल्फा नेबरहुड में अपने पूरे आर्मेनियन इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीटें वगैरह हैं ना, वो पूरा जैसे यूरोपियन स्टाइल के घर वगैरह होते हैं और स्ट्रीट्स होते हैं, एले होते हैं, बुलवार्ड होता है, उस तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है।
देखिए एक और ये सारा वन वे है यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे सड़कें हैं और ये वन वे है। तो गाइज अभी हम उसी स्ट्रीट के किसी चौराहे पे हुए हैं और यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, घर हैं, यहाँ तक की स्ट्रीट्स आप देखिए काफ़ी अलग है इस्फहान प्रोविंस के और इस्फहान शहर के बाकी नेबरहुड से। तो ये एक हैपनिंग प्लेस है। तो शाम के टाइम पे अराउंड 5 बजे के बाद, वैसे दिन भर लोग यहाँ पे रहते हैं, खासकर यंगस्टर्स रहते हैं, बट शाम को 4-5 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, हैंग आउट करते हैं, बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं, आउटिंग करते हैं। और घर वगैरह जो है डिज़ाइन है उसका, स्ट्रीट का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको जो यूरोपियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस है, अर्मेनियन आर्किटेक्चर और इन्फ्लुएंस, वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारे यहाँ पे एलेज हैं, तो कोचे करके लिखा हुआ है, तो कोचे का मतलब एले होता है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो यार यहाँ पे ना मतलब एक अलग ही तरीके का ईरान आपको दिखेगा वाकई। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, खासकर लड़के और लड़कियाँ जो यंगस्टर्स हैं वो स्मोकिंग वगैरह करते हुए आपको दिखेंगे, और हिजाब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम लोग फॉलो करते हैं। ये आपको सड़क पे चल रहे लोगों को देख के वो दिख भी जाएगा। तो जुल्फा नेबरहुड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफे है ये। हाउ पीपल कैन वॉक बाय द टाइम दे या तो यार आप घरों के बिल्डिंग के डिज़ाइन देखिए, आप देखिए लिखा हुआ है अर्मेनिया होटल, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी आप देखोगे ना, चाहे वो बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के डिज़ाइन हो, स्ट्रीट हो, एलेज हो, बुलवार्ड हो, हर एक चीज़, कैफ़ेज़ वगैरह काफ़ी कुजी कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। और जो लाइफ है वो वाकई 100% यूरोपियन इन्फ्लुएंस लाइफ, ईरान कंट्री के मिडिल इस्फहान शहर में अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आपको इस जुल्फा नेबरहुड में ज़रूर आना होगा। आप खुद देख सकते हो हर तरफ एक अलग अलग वैरायटी के काफ़ी कैफ़ेज, सैलून, शॉप्स वगैरह हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरियस स्ट्रीट पूरे इस ईरान कंट्री का मैं इसको बोल सकता हूँ, आप देख सकते हो गाइस। वाह पूरा ये स्ट्रीट भाई कॉफ़ी हाउस, कैफे हाउस, अलग अलग ईटिंग जॉइंट से भरा पड़ा हुआ है। बट अच्छी चीज़ क्या है ना, कितना अच्छा इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बीच में देखिए वॉक करने के लिए, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये कार वगैरह भी भाई पास हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत हो रहा है। बट साइड बाय साइड देखिए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वॉक करने के लिए इन्होंने लोकल बनाया हुआ है। बट शॉप्स देखिए आप, इस्फहान जुल्फा, मोस्टली हर एक शॉप्स में कहीं ना कहीं आपको जुल्फा या अर्मेनिया लिखा हुआ नज़र ज़रूर आएगा। हूर गैलरी सामने जो दिख रही है, तो अलग अलग सोविनियर्स की दुकानें भी हैं यहाँ पे सामने। ये सलून है यहाँ का, ओ माय गॉड काफ़ी खूबसूरत है यार, वन ऑफ द ओके। ये है यहाँ का जुल्फा स्क्वायर जो कि अपने काफ़ी हैंग आउट प्लेस के लिए पॉपुलर है, तो फुल ऑफ क्राउड यहाँ पे होता है, आप देख सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी क्राउड नहीं है, वरना लोग बोलते हैं एक टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग स्पेशली इवनिंग के टाइम पे आते हैं हैंग आउट करने के लिए। तो ये आप देखो इस तरह से अलग अलग गलियाँ हैं यहाँ पे, और इन सब जगह पे अलग अलग कैफ़े हाउस यानी कॉफ़ी हाउस इन्होंने बना के रखा हुआ है सारा अलग अलग। अब IRFDO फूड करके इसमें इन्होंने ब्रांडिंग की हुई, आप देख सकते हो। तो ये देखिए अर्मेनिया, मतलब यहाँ पे कहीं भी आप जाएंगे ना हर जगह आपको इसी तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यार अभी हम एक आइसक्रीम की शॉप पे आए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये पूरा एरिया आप देखिए ना काफ़ी ज़्यादा लाइवली है,
चारों तरफ आपको लोग यहाँ पे इस तरह से खाते पीते टहलते हुए घूमते हुए नजर आएंगे। तो यार यहाँ की जो इवनिंग लाइफ है, नाइट लाइफ, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, कि ये वाला जो एरिया है जुल्फा नेबरहुड इस्फहान का, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक तो आर्मेनियन दिखेंगे यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग। वैसे ईरान कंट्री आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, बट फिर भी यहाँ पे ज्यूइश, क्रिश्चियन और आर्मेनियन जो हैं यहाँ के लोग, तो काफ़ी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं और उनको आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो आइसक्रीम खाने का ये तरीका है, ये जैसे बर्गर नहीं होता तो ये बर्गर जैसा आइसक्रीम है, और ये बाहर इसकी पपड़ी है रोल और अंदर है स्टफिंग आइसक्रीम की। सो सैफ्रॉन, सैफ्रॉन या तो अंदर स्मेल सैफ्रॉन। तो ये पूरा आइसक्रीम इसका देखिए, जो लेयर है ना सैफ्रॉन से पूरा भरा हुआ आइसक्रीम है। तीन के तीनों मूर्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये जो आइसक्रीम का ब्रांड है ना, ये काफ़ी पॉपुलर है इस्फहान में। तो ये तो अभी हम जुल्फा स्ट्रीट पे हैं, यानी जुल्फा नेबरहुड में, और इसका नाम है माफिल, माफिल आइसक्रीम शॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ब्रांड है, चेन है, और दो से तीन शॉप हैं इसकी इस्फहान में। और ये पूरा आप आइसक्रीम देखिए भाई, इस तरह की आइसक्रीम, तो इसको जैसे बर्गर नहीं होता है तो कुछ वैसे स्टाइल में खाया जा रहा है। और मेरे वाले में तो अलग से नुशा ने इसकी फिलिंग कराई है, इसमें अंदर पिस्ताचू भरा हुआ है और पूरा शेफ्रॉन का फ्लेवर आ रहा है, पूरा फुल ऑफ शेफ्रॉन से आइसक्रीम बना हुआ है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसको जो खाने का तरीका है वो मुझे यूनिक लगा। ये देखिए अब पूरे आइसक्रीम में मुझे पिस्ताचू का फ्लेवर, सैफ्रॉन का फ्लेवर और आइसक्रीम का फ्लेवर, ये जो फेवरेट वन ऑल्सो मॉम मॉम कैसे खा रही है भाई, देखो मॉम ने सबसे पहले फिनिश भी कर दिया। अब पूरा पिस्ताचू इसमें अब दिख रहा है भाई। तो यार अब जुल्फा नेबरहुड को विजिट करने के बाद मैं आया हूँ इस्फहान के सबसे बड़े माउंटेन की ओर, जिसको सोफे माउंटेन बोलते हैं। तो सोफे माउंटेन पे जाने के लिए लोग हाइकिंग करते हैं, मैं तो हाइकिंग नहीं करने वाला हूँ, बट मुझे अभी यहाँ पता चला कि यहाँ पे ना केबल कार भी चलती है। तो काफ़ी लोग भाई आज यहाँ पे आए हुए हैं, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्फहान यहाँ पे आया हुआ है। तो खैर इस्फहान और आसपास के लोग, यानी सिराज और बाकी के जो प्रोविंसेस हैं, शहर हैं इस्फहान से लगा हुआ, वहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पे पिकनिक और आउटिंग के लिए करने के लिए आते हैं। तो ये है इस सोफे माउंटेन के नीचे का पार्क एरिया, जो कि एक रिक्रिएशन पार्क टाइप का है, जहाँ पे काफ़ी ढेर सारी क्राउड है। तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ से एक्चुअली ये जो हिल है ना सोफे माउंटेन, तो वहाँ के लिए केबल कार जाती है, तो इसको हम लेने वाले हैं। बट यहाँ पे काफ़ी फन जोन एक्टिविटी है, बढ़िया पार्क इन्होंने बनाया हुआ है यार, ब्रिज वगैरह है, लोग अच्छे खासे यहाँ पे आए हुए हैं पिकनिक आउटिंग, खाना पीना लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये। सफारी एडवेंचर 6D, तो 3D सुना आपने, 4D सुना, 5D सुना, अब मैं 6D का एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ ईरान के इस्फहान के इस सोफे माउंटेन के पास। तो मैं और नुशा हम दोनों इसको ट्राई करने वाले हैं, तो देखते हैं। अफ्रीका वैसे भी काफ़ी दिन हो गया और अफ्रीका को मैं मिस भी कर रहा था। तो यार यहाँ पे तो मेरे और नुशा के अलावा कुछ है ही नहीं, और पूरा ये थिएटर है। तो नुशा भाई रेडी हो रही है, वाह माशाल्लाह। यार भाई हालत ख़राब हो गई, मैं तो इतना लोट पोट के डांस किया हूँ ना, मैंने रिकॉर्ड ही करना बंद कर दिया यार, चक्कर आने लगा भाई, घूम घूम के उला रहा था। नुशा कितना ज़्यादा मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। Something came out from me, I don't know, maybe.
I'm now like flow. Oh my god. Cable car station, जिसको अब मैं लेने जा रहा हूँ. If it was a morning time, day time, it's good, huh? Yeah. Yes, exactly. तो यार अभी नाइट का टाइम है इस वजह से, तो अभी वो जो व्यू है ना पूरे शहर का इस पूरे केबल कार से, वो तो नहीं आ पा रहा है. तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं इस्फहान और स्पेशली इस माउंटेन पे आना चाह रहे हैं, तो दिन में आइए, क्योंकि जो केबल कार का राइड है वो, और साथ में जो माउंटेन का व्यू है और पूरे सिटी का व्यू, वो काफी ज्यादा अच्छा. माउंटेन, यू कैन शो द माउंटेन. या माउंटेन, बट इट्स आल्सो डार्क. सो गाइज, फाइनली हम इस माउंटेन वाले हाईएस्ट पीक से, आप देखिए हम कहाँ पे थे, अभी तो रात में दिख नहीं रहा है, बट हम टॉप ऑफ द माउंटेन थे. और केबल कार से वापस हम यूज़ करके जो डाउन वाला एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं. काफ़ी अच्छा टाइम रहा. नुशा, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई जस्ट वाज एक्सपीरियंसिंग यू. तो यार देख रहा हूँ नुशा क्या बोल रही है. Yeah, it was breezy. Hmm? Nice weather. Of course, you have nice, climbed so many times this mountain, right? More than 50 times? Again, you ask me how many times and I don't have any answer. Answers. But for like this Tulakabi, maybe like this was maybe the 20th. Well, I mean, time. Okay. काफ़ी इन्जॉय किया यार हम लोगों ने, मैं, नुशा और मम्मी जी, तीनों लोग हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए. ऊपर काफ़ी ढेर सारे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है, बैठने के लिए जगह है, लोग वहाँ पे भी पिकनिक वगैरह मनाते हैं. बट ये वाला जो एरिया है ना, डाउन वाला एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी ढेर सारी फैमिली आके बैठी हुई है. काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस है. अब इस तरह से ये देखिए, इन्होंने ये लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है जिसको यूज़ करके आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो. नीचे फाउंटेन वगैरह का भी अरेंजमेंट है, बट अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा हुआ है. कुछ फैमिली यहाँ पे देखिए कुछ खाना पीना खा रही है, लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, शीशा वगैरह इंजॉय कर रहे हैं. No cry, she's crying, why? No, she's saying, oh, dirty. Oh, no. Very beautiful. तो यार गाइज, अभी मैं नुशा के एक फैमिली हाउस में आया हुआ हूँ, यानी नुशा की जो मम्मी हैं उनकी कज़िन के घर पे. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली, और एक शख्स से मैं एक्चुअली आपको मिलाने चाह रहा हूँ. मतलब अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और शायद आपको भी ये बात यकीन नहीं होगा, बट मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ पहले, बताने से पहले. सो आपको मैं ये दिखाऊँ कि ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग, अब ये मोर आपको दिख रहा होगा, तो ये पजल्स है एक्चुअली जो बनाया है किसी एक शख्स ने. आप ये देखिए, पूरे इस घर में इस तरह की अलग अलग पेंटिंग्स हैं. अब ये पेंटिंग्स सारी सिर्फ पजल्स को यूज़ करके बनाई गई हैं, आप देख सकते हो. सारा जितना भी आप ये पूरा ग्लोब मैप आप देखिए, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है. अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, इधर हॉर्सेस, अलग अलग हॉर्सेस हैं. तो ये है ये खूबसूरत सा हाउस. हाय नुशा. हाय हाय. ये है नुशा, आप सब इनको जानते हैं. और ये हैं शहनाज. शहनाज, शहनाज, ओ शुक्राना शहनाज. तो शहनाज यार एक्चुअली नुशा के मम्मी की कज़न की बेटी हैं, जो कि एक्चुअली वैसे तो ये यार बोल नहीं सकती हैं और सुन नहीं सकती हैं, फिर भी जो इनकी कलाकारी है ना वो लाजवाब है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. तो ये जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये सारा यार शहनाज ने बनाया हुआ है, और इनका माइंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प है. नुशा, सिंस हाउ लॉन्ग, कैन यू कम दिस वे? या सिंस, ओके, सो सिंस हाउ लॉन्ग सी इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ पजल्स? मे बी 10 years. 10 years. Yeah. So. Or maybe less, maybe 8 years. I would say 8 years. Then she is making like, yeah, this. Yeah, there are more. A lot of is under bed, but oh, we didn't like put in the, yeah. Oh, but she frame, likes. Frame, no frame, nothing. Yeah, yeah. So, and she is making in this paper. This is what kind of paper which is she using? This is puzzle only. Puzzle only. Okay. You know. Hmm? These are the pieces. You have to just connect the pieces. You know, okay. Like you have to just think to just connect the pieces like, wow, this. I'm very good in this. Wow. It's my favorite. Even you. Hobby. Actually, she got it from me. Oh, wow. I'm inside this, really? Game, this hobby. So like, wow, one day
I was not at home. I was a banker, so I was at work. So I was making something, and then suddenly she was sitting behind of the table. By mistake, she destroyed the puzzle, like around 10 piece, it was destroyed. She scared, oh, Nusha comes from bank, and she start to fight with me, and she tried to make it again. Wow. Since that time, she got, oh, I'm in love with this game. Wow. And she used to just ask, like, buy for me more, I want to make, so yeah. So even you have so many things. This I have a lot. Wow. So, since childhood, since 5 years old, I was making this puzzle. It costs puzzle. You should do puzzle. Yeah, of course. So yeah, it's like I have a lot. I'm telling. Then one day she just or Nusha comes fighting like, and it was like maybe this kind, this much, this much only. Okay. And she just sit focused. My mom said, yes, Nusha comes and fight with you. You have to make it. So she just tried to make it, and since that time she just got, oh, I want it. Wow. So like, most of the people, they want to buy a gift for birthday, for New Year, everything. They used to buy puzzle for her. Like brother, sister from US, they just buy puzzle for her. और talented लोग ही I think ये कर सकते हैं, जिसमें नोशा और उनकी ये जो sister हैं, ये माहिर हैं यार. मतलब आप खुद देखिए, अब ये पूरा night puzzles है. अब ये सीनरी है, एक लैंडस्केप है, इसको भी इन्होंने कैसे बनाया होगा, मैं भी अभी भी इस बात से सरप्राइज में हूँ. बट अभी भी आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि शहनाज नूसा से सीख के इस तरह से ये परफेक्शन आया है. मतलब जैसे स्टोरी उन्होंने बताई, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ. बट दाद देनी पड़ेगी इनके माइंड की कि कितना शार्प और कितना फास्ट इन्होंने ग्रैब किया हुआ है पूरा इस चीज़ को. Oh, okay, this is the family. Adopted this girl. Oh, so that is the first sister. First sister. So she adopted these two. This is older, 1 year, 2 years older than Mahnaz. Shahnaz, the same. She is the first one. No, she's the first one. Oh, okay. Second one, brother, third one. Hanis, is in Tehran, UN, is the fourth one. And she adopted this since 6 months, when she was 6 months. And recently, is around 1 year, she adopted this other lady. Okay. So, this is इनका पूरा living room, पूरा villa. तो हर जगह यहाँ पे ईरान में आप कहीं भी जाएंगे ना, जो घर होता है ना, वो यार लाजवाब. मतलब अभी जिस घर में मैं आया हूँ, आप खुद देखिए, ये पूरी प्रॉपर्टी को देख के आपको लगेगा कि नहीं कि ये घर है. मतलब घर कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए, आई थिंक ईरान कंट्री में आप सबको आके एक बार विजिट करना पड़ेगा गाइस. ये देखिए, गार्डनिंग वगैरह भी पूरा इन्होंने अंदर, ये सारे रियल ट्री हैं, ऐसा नहीं ये पुराने और शोपीस हैं, ये सारे रियल ट्री हैं. पूरे पेड़ वगैरह देखिए इन्होंने किस तरह से गार्डनिंग की हुई है. और ये है अभी जो इनकी आंटी हैं, उन्होंने यार मुझे ये ड्रिंक ऑफर किया हुआ है. तो ये लोकल है ईरानियन. ओ डैड, ओके ओके. यू कॉल इट शरबत? Strawberry. This is sarbat, right? Sorry? Sarbat. You call sarbat? Sharbat. Yeah. You say shin. Yes, sin instead of shin. Like you call me Nusa. I'm Nusha. Nusha. I swear I'm Nusha. यार नुशा बोल रहे हैं कि मैं उनका नाम भी गलत बुला रहा हूँ. Like, हर ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में आप ना बुझे देखिए.